आरटीआई फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम प्रमेय 6.3 को सॉल्व करते हैं। इसके आगे भी कुछ प्रमेय हैं, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5। ठीक है, प्रमेय 6.4 क्या कह रही है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे देखिए, सिद्ध करना आसान है, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली प्रमेय बताई थी वैसे ही है बिल्कुल, आप वैसे ही कोशिश कर सकते हैं करने की। अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। प्रमेय 6.5 क्या कह रही है हमसे कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों की को अंतर्गत करने वाली भुजाएँ समानुपाती होती हैं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल उसके विपरीत है जो हमने प्रमेय 6.4 में देखा, उसके बिल्कुल विपरीत है, तो आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं, जो उदाहरण है वो आप सॉल्व कर लेंगे, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण है जो थोड़ा अलग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, तो देखिए इसके लिए हमें एक चित्र बनाना होगा। ठीक है, एक मीनार है हमारे पास, ठीक, ये मीनार है, ठीक, और इससे दूर एक लड़की है जो इससे दूर चलती है। ठीक है, इससे परे, मतलब परे का मतलब हो गया कि इससे दूर जा रही है। ठीक, तो उससे दूर जा रही है और उसकी चाल क्या है, उसकी चाल है 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 1.2 मीटर दूर चल रही है, किससे, मीनार से। ठीक, और वो चलती है 4 सेकंड चलती है, तो 4 सेकंड चली तो मान लीजिए 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ गई, कहीं आ गई। तो देखिए ये जो लड़की है इसकी छाया कहीं यहाँ पड़ रही होगी, है ना, यहाँ कहीं पड़ रही होगी, ये क्या है, लड़की। अब इसको मिलाते हुए हम तो ये आपका चित्र बन गया, एक मीनार है जिससे परे होके एक लड़की जा रही है, उससे दूर जा रही है और 4 सेकंड बाद वो रुक जाती है। तो उसकी जो परछाई है उसकी लंबाई हमें ये निकालना है, ये कितनी है। ठीक है, तो हम देखिए इसको नेम दे देते हैं, ए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ठीक, ये मीनार है, ये लड़की है। ठीक, और चाहे तो आप मीनार को डेकोरेट भी कर सकते हैं, लड़की को बना भी सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बना दिया, आप भी ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, मतलब हमें जो सीडी मतलब लड़की की लंबाई वो कितनी दी है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को हम मीटर बदल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग कर देंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 9/10, तो 9/10.9 मीटर। ठीक है, अब जो लड़की है वो जो मीनार का आधार है उससे 4 सेकंड बाद चलती है और खड़ी हो जाती है, और जो लड़की की चाल है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 1.2 मीटर चलती है। तो 4 सेकंड में, यहाँ पे थी जब ये 0 था और यहाँ आ गई तो 4 सेकंड हो गए, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1.2 × 4, मतलब 12 × 48, 4.8 मीटर। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया BD, तो BD क्या आ गया हमारे पास, 4.8 मीटर। ठीक, अब देखिए, अब हम
हम पहले देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई, ये कहीं समरूप तो नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए देखिए इस त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण ई है वो तो बराबर ही है, कोण ई कोणी के बराबर है। और देखिए ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ये 90 होगा। क्यों? क्योंकि मीनार जो है वो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधी, तो उसका आधार के साथ कितना, उसका क्षैतिज के साथ कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। ऐसे ही देखिए लड़की है जो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, तो उसका जो क्षैतिज से कोण बनेगा वो कितना बढ़ेगा? 90 डिग्री। तो देखिए ए एंगल ए बी डी या फिर ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर एंगल सी डी ई बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमें हमने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के दो जो संगत कोण है वो बराबर हों, दो संगत कोण बराबर हों, ठीक है, और भुजाएं जो हैं समानुपाती हो। लेकिन हम सिद्ध ये भी कर चुके हैं कि अगर अंतः कोण बराबर हों, अगर जो अंतर्गत कोण दिए हैं संगत कोण वो अगर बराबर हों, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। ये हमने सिद्ध भी कर लिया है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई वो समरूप है किसके? त्रिभुज सी डी ई के। ठीक, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम लिख सकते हैं कि बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, बी बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, अब देखिए बी क्या है? बी है, ठीक है, हमें बी डी पता है, ठीक, और डी एम मान लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल एक्स, ठीक है, इतनी जो दूरी है वो कैपिटल एक्स है, जो कि लड़की की परछाई की लंबाई, ठीक, परछाई यहाँ पड़ रही होगी इसकी, तो एक्स हो गई। तो ये कितना है? ये हमें दिया है 4.8, तो 4.8 प्लस ये हमने मानी कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स अपॉन डी ई, डी कितना है? एक्स बराबर ए बी। अब देखिए ए बी कितना है, जो मीनार है उसकी लंबाई क्या होगी? हमें दी है यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। देखिए मीनार के सबसे ऊपर बल्ब दिया गया है यहाँ पे, ये तो इसी से तो यहाँ पे परछाई बन रही है, तो जो क्षैतिज है उससे बल्ब की दूरी मतलब मीनार की लंबाई, तो मीनार की लंबाई कितनी होगी? 3.6 मीटर। तो 3.6 अपॉन सी डी, सी डी हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया हमारे पास? 0.9। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 9 चौक 36, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणा कर देंगे तो 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक, और एक्स को उधर ले जाएंगे तो 4.8 इज इक्वल टू 4x, में से 1x चले जाएंगे, आ जाएंगे हमारे पास 3x, 3x आ गया। इससे हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया? 4.8 अपॉन 3, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? पॉइंट हटा देंगे 30 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 6, तो 1.6, 1.6 मीटर, ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा अलग सवाल था, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और जो सवाल है वो आप कर लेंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। बस इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि अभिग्राहित कौन सी कहाँ पे लगेगी, और अप्रमेय आपको आनी चाहिए बस। और जो इस प्रश्नावली 6.3 में सवाल है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 6.3 के आठवां सवाल और उसके आगे के सवाल, ठीक है, और इसके पहले के जो सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।